अरे जीजा जी, दीदी को क्या देख रहे हो? जरा हमसे भी बात कर लो। दीदी तो आपके साथ ही जानी है, उन्हें तो आप यहाँ छोड़ के जाएंगी नहीं। आप चाहे तो रख लीजिए उसे। अपने पास। अच्छा जी, अगर सच में रख लिया ना तो आपके भी पाँव नहीं निकलेंगे यहाँ से। सोच लीजिए। बड़ी माँ कहाँ है? यही तो हूँ। कान खिंचाई की रस्म तो पूरी कर लूं। क्यों दामाद जी, आप हमारी बेटी को इतनी देर से मायके क्यों लेके आए? जी मैं तो कब से इसे मायके जाने के लिए कह रहा था। लेकिन ये सुनती ही नहीं। जाइए, जाके इसके कान भी खींचिए कि आगे से अपने पति की बात भी मान लिया करे करे। अरे आप लोग दामाद जी को बैठने भी दोगे? सारी बातें यही करोगे? आइए आइए दामाद जी। अरे बैठिए। तो सही जीजा जी, आज हमें जीजा जी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करनी। क्यों जीजा जी? अरे बेटा सारी बातें आज ही कर लोगी, इन्हें जरा आराम भी तो करने दो। दामाद जी मैं भी आ रहा हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, अब ये हमारी कुमुद नहीं रही, धर्माधिकारी की बहू बन गई है। ऐसे ही थोड़ी घर में आकर बैठ जाएगी क्या माँ? आप लोग भी चल वहां बैठ। अरे दीदी, आप जीजा जी के बाजू में बैठिए। मोटी बहन आप नाश्ता लगा दीजिए, मैं छत से पापड़ लेकर आती हूँ। आप रहने दीजिए भाभी, मैं लेके आती हूँ। कहिए जीजा जी, अब हम आपके जूते छुपाए या वैसे ही आप नेक देने के लिए तैयार हैं? वो सब छोड़ना, कुमुद को देख, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कितनी सुंदर लग रही है। तुझ पे ये साड़ी भी ना बहुत जम रही है, दामाद जी ने दिलवाई है क्या? हाँ, उन्हीं की पसंद है। अरे वाह, बड़ी माँ कहाँ है? मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अलग जी, गलती से आ गया होगा। ये कैसे कर दिया मैंने?
ठीक है? कुमुद जी का? कुमुद ने लिखा है जी। घाव भी ऐसे दिए जो दिखा नहीं सकती, आंसू भी ऐसे दिए जो बहा नहीं सकती। ये तो कविता है नवीन, क्या आपको पक्का पता है ये कविता कुमुद ने लिखी? जी। वैसे आपको कैसे पता ये कविता बहुरानी ने लिखी है? कालिका जी, जी जी चाय देने आई थी, अब जा सकती हूँ। जी नवीन, क्या तुम्हें पक्का पता है ये कविता कुमुद ने लिखी है? जी वो सिट को कविताएं सुना रही थी, उसी वक्त मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो उसे सुना भी रही थी और लिख भी रही थी। मेरे पेपर्स वहां पे पड़े हुए थे तो पेपर्स के साथ शायद मैंने उनका नोटपैड भी उठा लिया तो वो ये पेपर फाइल में आ गया। पर इस सब का मतलब क्या है? कैसे ऐसे आंसू? रमान, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि पग फेरे की रस्म। कहीं रमाद ने कुमुद के घर वालों के सामने कुछ कर दिया तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आपको अपने घर की इज्जत की पड़ी है, कुमुद जी के साथ क्या होगा आपको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। अगर आप जानती हैं कि आपके भाई की वजह से कुमुद जी तकलीफ में है तो आप कुछ करती क्यों नहीं कुमुद जी के लिए? मगर आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे? मैं ये कविता पढ़ के क्या करूं? मैंने माँ बापू से कहा था कि प्रमाद की शादी करवाने से पहले सोच लीजिएगा, पर बापू जी को कुमुद पे भरोसा था इसलिए। हो रहा है अलग, ये क्या? वही रुक जा। सबसे पहले तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना? लो शुरू हो गया माँ बेटी का खेल। दामाद जी का स्वागत तो अच्छी तरह से हो गया, पर पता नहीं कुमुद के मन में क्या चल रहा है। कहीं दामाद जी के बारे में सुनी हुई बातें सच तो नहीं? ये तो कुमुद से बात करने के बाद ही जान पाएंगे। तो खुश नहीं थी ना? मेरा मतलब है हमें याद करके उदास होती होगी कभी कभी। अब हमसे मिलके खुशी से समा नहीं रही है ना?
देखो देखो मुझसे गले मिलने के लिए कितनी उतावली हो रही है, पर सबसे पहले मुझे सच सच बताना होगा। बताएगी ना? दामाद जी भले ही इंसान है ना, पूरे जवाब का क्या मतलब है? मेरी बच्ची बस तू खुश है, हमें और क्या चाहिए? बिना कुछ छुपाए तो सब बताएगी।